ये वरुण ने यहाँ कहाँ बुला लिया? मुझे 2 घंटे में ऋषिना से मिलने पहुंचना है। यहाँ लाइट ऑन क्यों नहीं है? यहाँ कोई दिख क्यों नहीं रहा है? रिशु कितना खुश होगा ये सरप्राइज पार्टी देखकर। वरुण सुन सुन सुन, तूने ऑर्गेनाइज किया पार्टी? मैंने तो नहीं किया। अबे तो फिर सरप्राइज है, ठीक है बाद में बता दे, पता चल जाएगा। चल 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 What a party, Rishab. It's so cool. You liked it? Yes. I want to tell you something. What? I like you. Sorry, Jia, but I like someone else. And I'm going to meet you all with them. Okay. Enjoy. Rishina, I'm sending you the address. Come there. Cool 29 Club, you'll know. Here, my friends are celebrating my birthday. And I want to meet you all with them. Come fast. कैसे बताऊं ऋषु को, जिस ऋषि ने से वो मिलने का इंतजार कर रहा है वो मैं ही हूं। झटका तो लगेगा बेचारे को, लेकिन फिर जब पता चलेगा कि उसे दोस्ती करने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं, झट से गले लग जाएगा मेरे। अरे निजरा, हैप्पी बर्थडे ऋषु, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एंड अब से नो फाइट्स, ओके? ओके, सॉरी। क्या? आई एम सॉरी, मैंने तुझसे इतना रूडली बात किया। Sorry, me too. मुझे आंटी से तेरी चुगली नहीं करनी चाहिए थी। It's okay. मैं आता हूँ अभी। अरे क्या बात है, मतलब तुम दोनों को देख के लग रहा है झगड़ा वगड़ा सब सॉर्ट आउट हो गया है? हो गया। अच्छी बात है, वो तो मुझे पता ही था तुम दोनों इतने पक्के दोस्त हो और हम तीन तो मतलब आया है। So now can we cut the cake? अरे यार वो ऋषि अब तक आई नहीं है यार, उसको आने देना, फिर काटेंगे। ठीक है भाई, तेरी पार्टी तेरी मर्जी। हाँ हाँ, मतलब लेकिन उससे पहले एक और सरप्राइज है। क्या? ओके, म्यूजिक ऑफ, डीजे। यार वरुण, वेट, लिसन, इट्स इंपॉर्टेंट, इट इज द टाइम टू मीट द सुपर कूल ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस अमेजिंग पार्टी, जो है होस्ट और करने वाले है रोस्ट। यो, लाइट्स ऑफ। तो यही है वो मिस्टर कूल जिन्होंने ऋषु के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की है। गिव इट अप। अंकल यहाँ? पापा ने दिया पार्टी? तभी तो कह रहा था सरप्राइज है। आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, आ रही है। ये पता नहीं क्या पीपड़ी सी दे दी हमारे जमाने में तो। खैर कैसे आप सब, ठीक? तो मेरा नाम है राजीव बंसल और मैं ऋषभ का दोस्त हूं। अब ऋषभ का दोस्त हुआ तो आप सबका भी दोस्ती हुआ। हैप्पी बर्थडे यार। त्रिशु का फोन? नहीं, जिससे मैं उनकी तारीफ करूं। कभी ये नहीं सोचा कि जब मुझे सच पता चलेगा तो मुझे कैसा फील होगा। फ्रेंड बनना है उन्हें मेरा, और मैं पूछता हूँ क्यों बनना है? एक बार तो मुझे ही कह रहे थे कि बेटा जब तू पैदा हुआ था ना तब डॉक्टर ने कहा मुबारक हो बेटा पैदा हुआ है, बल्कि ये नहीं कहा था कि मुबारक हो दोस्त पैदा हुआ है, और अभी उन्हें मेरा दोस्त बनना है। अरे बेटा होना बेटा ही रहने दे, और वो पापा ही रहे। याद है जब हम नकली फोन लेके आए थे
तब पापा ने सबके सामने मुझे सुना दिया, कहने लगे कि मैंने धोखा दिया और अभी खुद नकली फ्रेंड बने तो कुछ नहीं, उन्होंने धोखा नहीं दिया मुझे। देख देख पापा है ना, तुम पापा है तो मुझे समझ में क्यों नहीं आता? पापा कभी अपने बेटे के फ्रेंड नहीं बन सकते, पापा पापा ही रहे तो अच्छा है, उनके लिए भी और मेरे लिए भी। कई बार उनके मैसेजेस से डाउट तो हुआ था कि रिशिना पापा जैसे ज्ञान बांटने वाली बातें क्यों कर रहे, सपने में भी नहीं सोचा था कि वो सच में मेरे पापा है। नाम भी क्या सोचा उन्हें, रिशिना, ऋषभ और रिशिना। आई स्टिल कांट बिलीव इट वरुण कि पापा ने मेरे साथ ये सब किया। ये त्रिशु का फोन बज रहा था, उसे दे देना। पापा मैंने आपसे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था पापा, त्रिशु मैं समझ सकता हूं तुम्हें बुरा लगा होगा, पर क्या तुमने समझने की कोशिश की तुम्हारे पापा को कितना बुरा लगा होगा जब तुमने मुझे अनफ्रेंड कर दिया? ऐसा लगा जैसे अचानक से तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं समझ सकता हूं तुम्हें मुझसे ये उम्मीद नहीं थी, पर क्या तुमने समझने की कोशिश की तुम्हारे पापा को भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी? कितनी बार तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी मैंने फेसबुक पर, तुमने एक्सेप्ट ही नहीं की। मैं समझ सकता हूं जो हुआ उससे हमारे बीच में दूरी और बढ़ गई है, पर क्या तुमने समझने की कोशिश की कि तुम्हारे पापा ने जो भी किया वो इसलिए की ताकि हमारे बीच की दूरियां खत्म हो जाए? नहीं, बाप बेटे के रिश्ते में दोस्ती की मिठास ही डालना चाह रहा था मैं। ऋषभ मैं ना हमेशा अपने पापा को अपना दोस्त बनाना चाहता था, मैं चाहता था कि मेरे पापा का रिश्ता ना सबसे खास हो, पर पापा ने मुझे कभी अपना दोस्त ही नहीं समझा। बस एक कसक रहेगी मेरे दिल में, तो मुझे लगा कि भाई जो मुझे नहीं मिला इसका मतलब ये तो नहीं है कि ऋषभ को भी नहीं मिलेगा, इसलिए मैं हमारे रिश्ते को सबसे खास बनाना चाह रहा था। इसमें कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? पा गलत आपने यही किया कि आप पापा बनकर मेरे फ्रेंड बनने की कोशिश कर, जबकि मुझे आपको अपना फ्रेंड बनाना ही नहीं है। जो भी हुआ ना मैं उसे भूल जाऊंगा और आप भी ये भूल जाए कि आप कभी मेरे फ्रेंड बन सकते। नहीं ऋषभ, दोस्त तो मैं तुझे अपना बना के रहूंगा। तो मैं भी आपको चैलेंज करता हूं कि आप मेरे फ्रेंड कभी नहीं बन सकते। तो ठीक है भाई, मैं भी लेता हूं तेरा ये चैलेंज। देखना एक दिन तू सामने से आएगा, कहेगा पापा आप मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड हो मेरे। मैं अभी भी ये कह रहा हूं ये नहीं होने वाला, बल्कि आप खुद कहेंगे कि ऋषभ मैं तेरा पापा ही ठीक हूं, मुझे तेरा फ्रेंड नहीं बनना। ऋषभ अगर मैं ये कह सकता हूं ना कि तेरा यार हूं मैं, तो ये भी समझ ले तेरा बाप हूं मैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।